जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर है और दिसंबर की छुट्टियां हैं, तो सबका आना जाना लगा हुआ है। जनवरी तो छुट्टियां तो दिसंबर की थी ना, तो वही चल रही हैं। तो इसलिए सब लोगों ने ना जो अपनी नानी के घर में ना जाके मले हुए हैं, इसी तरह खतीजा लोग अभी गई हैं, तो साथ में ना एक और आपी आ गई है, उनके साथ एक और आपी आ गई है, मतलब इस टाइम पे दो आपियां आई हैं। तो आज वो लोग आए थे तो उनके लिए मतलब खाना बना रहे, तो उनके लिए ना खाना बन रहा है यहाँ पे। तो मैंने खाना फिर से रिकॉर्ड नहीं किया रेसिपी वगैरह, क्योंकि वो पता है आपको कि वो जब खाना होता है ना तो सेम सेम चीज़ें ही होती हैं। चावल बनाया है, फिश फ्राई किया और साथ में सालन है, साथ में सूप बनाया था, वो उनको आते ही दे दिया था। पापी कह रही थी लास्ट टाइम भी कि मैंने सूप पीने हैं तो अब नहीं पिला सके थे, तो आज हमने सूप पिला दिया। और ये वही है फिश वाली चटनी पुदीने वाली, तो ये डाल के रखी हुई है। और ये इधर सालन भी रेडी हो गया है, इसको दोबारा गर्म कर रही है, मतलब कि अब खाना वगैरह बन गया है, बस थोड़ी देर तक अब्बू आ रहे हैं तो फिर साथ ही खाना लगा देंगे। भाई घर नहीं है ना, भाई गया हुआ है सैर सपाटे पे, इसलिए फिर हम अब्बू का वेट कर रहे हैं ताकि भाई अब्बू के साथ बैठ के खाना खा सकें। भाई लोगों ने खाना खा लिया, अब्बू साथ बैठे थे, अब्दुल्ला आया हुआ था, इन्होंने खाना खा लिया। फिर हमने कहा सेटअप तो लगा ही हुआ है, क्यों ना हम भी यहाँ पर बैठ के ही खा लेते हैं, देखते हैं अब ठंडा है या गर्म करने की ज़रूरत है। चलो भाई आपको मैं दिखाती हूँ आज कौन आया है। हलीमा आई है टेंडर। क्या खाना है, क्या खाना है? पहले मैनू आ दसो तुसी केड़े मौसम दी टेंड कराई। हाँ जी हलीमा के मामा से पूछ रही हूँ मैं। हमारे घर में छोटा काका था, उसकी टेंड थी, इसकी भी आपने टेंड करवा दी। खुश हो रही है हलीमा। टेंड किसने कराई है? टेंड दिखाओ इधर आओ। जैन आपकी टिंड नहीं हुई? ये देखो जरा कितने सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं हमारे घर में। ये देखो जरा, इसको नहीं किसी के होश खाना खाना है कि नहीं खाना, काम लग गया इन्होंने मोबाइल का। क्या है देखना जरा, मोबाइल दो मामा को। जैन जैनली ये देखो, सलाम अलैकुम। जैनली अफ्तर पावा कैसे करते हैं? ना सलाम ना दुआ, ये हमसे अब मिलता भी नहीं है सही तरह से, पता नहीं क्या करता है ये लड़का। ये देख लो माशाल्लाह से, ये देखो जरा हलीमा सलाम लो। तुई? तुई? ऐसे लेते सलाम? हमारा अच्छा बच्चा है जैन अली, गंदा है, गंदा बच्चा है। अब जी अगले दिन की शाम है और खानदानी चाय का टाइम हो गया, जो कि पूरे खानदान की बनती है शाम को, और मुझे बेचारी को कहती है कि नहीं है चाय, तो फिर मैंने अपने लिए ये मंगवाई है। नहीं, ये बची, नहीं बची, देखा मुझे बची हुई चाय देती हैं ये। किसके बिस्किट हैं, ज़्यादा नहीं हो गई केक? ये हैं दुबई वालों के केक, तो आपियाँ जो आई हैं मतलब जैन और हलीमा लोग लेकर आए थे ये बिस्किट केक अंडे, अंडे जो कि हमने खा भी लिए हैं। ये मैं आपी को देख के आती हूँ। सब ने ना इस टाइम चाय की आस लगाई होती है, सन चाह मिलू, उठ जो पी लो चाह। हेलो जैन और हलीमा सोए हुए हैं? नहीं हलीमा सोई हुई है, जैन पता नहीं घूम रहा है वैसे ही सर्दी में। ये ले भैया पर दूसरी आपी की चाय, घर भला टेक के बहिया ना हूं, तो यहाँ देखें जरा बेड मलिया है साडा, सानू कढ़ दिता इस कमरे च इन्होंने। हम लोग वैसे भी ऊपर सोती हैं ना, तो फिर जब कोई आपी आती है तो वो रूम हम ना फिर उनको दे देते हैं, तो कमला चोड़िया आपी चाय। ये देखे शहरी कितने सारे टॉयस लेके आई है हलीमा के लिए। डर गई हलीमा? मुझे दिखाओ और दिखाओ। ये देखो जैन के कौन सा अच्छा लगा? सारे ही अच्छे लगे हैं, ये तो सारे ही हो गए। ये हलीमा जैसा है, कितना प्यारा है, डर रही है।
बच्चों से चीजें लेने लेके खाने का भी अपना ही मजा है। ये मैंने करेले वाला नहीं आ वाला से करेले वाला ले लो एक बेटा। हाँ थैंक यू। ये बाहर से मिलते हैं पाई आता है रेडी पे लाया तो लिया और किदा लेना मीरा में ले लो। आज मैं आपको एक नए मेहमान से मिलवाती हूँ। ये देखें काका, ये ना हलीमा का काका है। इसको ना बोलती पता क्या है, काका जी बोलती है, और इसको गोदी में बिठा के ना प्रॉपर हिलाती है फिर सुलाती है। लेकिन जब मैं इसकी वीडियो बनाने लगती हूँ ना तो तब ये शौकी हो जाती है, फिर उसको पकड़ती नहीं है। चलो जी हुन हो गई रात, बहुत ज्यादा रात, तो इतने मच्छी नू मसाला लान दी है मैं भूल गई सॉरी कि मुझे उर्दू भी आती है। और दूसरी तरफ जो है ना अम्मी जान अपने शोहर मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब के लिए दूध में पत्ती डाल रही हैं, वो भी ओवन में, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल बंद है। हमारी तो माच से खत्म हो गई है गैस चेक कर करके, लेकिन गैस नहीं है। तो अम्मी ने अब दूध अबू ने लाजमी पीना था, दवाई खानी होती है, तो उसमें ओवन में बनाने लगी है। ना कोई सुर ना स्वाद, मतलब कि वो वाली बात तो नहीं ना होती फिर, मतलब कि ओवन में बनाना जो चूल्हे पे पक पक के बनता है ना। लेकिन ये है कि जरा गुजारे के लिए ना ओवन में काफी देर इसको रखो ना। और ये है बोल, ये कौन सा बोल है, चीनी का, चीनी का बोल है। इसमें ना उबलती नहीं है चाहे ओवन में जितनी मर्जी देर रख लो, तो इसमें काफी देर पका के ना फिर अम्मी अक्सर इस तरह अबू को दे देती है। बस इसमें ऐसे मैंने लगाया फिश का मसाला मैंने डाली है फिश तो। पता भी है फिश की पालो। हाँ मैंने रेसिपी बताई हुई है पहले इन सबको बताई थे। गाइस मैंने आपके साथ पहले रेसिपी इसकी शेयर की हुई है फिश का मसाला लगाने की, अगर आपने नहीं ना देखी तो फिर जाके देख लें। पहले नहीं देखी तो सीख करिए फिर। ऊपर है ना मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी वीडियो का, तू आई बटन से। हाँ तो फिर आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना एक बार। नहीं ये भी एक ट्रिक होती है, जो खाने वाले है ना जिनको असल जायके का पता है उनको पहचान है अच्छे की और ना अच्छे की, एक कौन से फिश को सही मसाला लगा है। तो कुछ जो होते हैं घर के भाई वो तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में, चीज सही बनी है कि नहीं बनी। जैसे कि हमारे नुक्स निकालने में माहिर हैं तो तारीफ निकलती कोई नहीं। चले जी अब हमारी हो गई है, बस यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग का एंड करते हैं। ये देखो फिश का फेस, ये शहरी को बहुत पसंद है, शहरी को फिश नहीं सिर्फ उसको मुंह पसंद है। हाँ ये सिरे खाती है, सिरे करते हैं इसको हम। कर लिए व्लॉग ना, नहीं मैं नहीं करूँ, मैं ठंड लगन दी मैं कर चल आहो। चले जी यही करते हैं आज के व्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगता है इसको लाइक कर दे शेयर कर दे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को नई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। हम लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।